लोगों का आज का बीच का टूर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिस्कवर पॉम्पे। और आपकी दोस्त पॉम्पे हाजिर है विद माय गोवा ब्लॉग डे 2 पार्ट 3। तो अंजुना बीच से निकल के एक लॉन्ग ड्राइव करते हुए हम चले गए मापसा टाउन में। राजू कहाँ से मिलेगा? अच्छा, कैचो के लिए आपको कलंगुट साइड। कलंगुट में कौन सा दुकान? कलंगुट आपको बहुत सारे वहाँ। तो यहाँ पे शॉपिंग के लिए, मतलब नॉर्मल शॉपिंग के लिए अच्छा है। अच्छा, आपको अभी होलसेल में वगैरह लेना है तो ऐसे में दे सकते हैं होलसेल रेट। काजू में? काजू होलसेल। ओके, तो मापसा से निकल के वी हेडेड टुवर्ड्स बागा। एट द एंड ऑफ द डे बागा बीच पे टाइम स्पेंड करने का प्लान तो पहले से ही था, लेकिन सच कहूँ तो यहाँ आकर मूड बिल्कुल बदल जाता है। चारों तरफ इतनी रोशनी, इतने रंग, हर तरफ जैसे सेलिब्रेशन चल रहा है। अब हम पहुंच गए हैं टीटोज लेन। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे टीटोज क्लब दिख रहा है। यहाँ पर स्कूटर पार्क करके फिर यहीं पर थोड़ा सा हम पहले घूम लेंगे, उसके बाद हम बीच पे चलेंगे। तो ये है द फेमस बागा लेन। इसी लेन से हम आगे जाके बागा बीच की तरफ जा रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल मार्केट, काफ़ी क्राउड है। और यहाँ पे टैटू स्टूडियो से लेके क्लोथ गारमेंट्स और देन काजू शॉप्स, एवरीथिंग इज ओवर। ये बहुत ही, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस इन गोवा, आई मस्ट से। टीटोज लेन वाली मार्केट में चलते चलते पता है कैसा लग रहा था? वो सॉन्ग है ना, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। सच में यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था, इन मोमेंट्स को अपने दिल में जैसे कैद कर लो। जब दो दिन बाद वापस हम अपने डेली रूटीन में चले जाएंगे, तब यही मेमोरीज हमें लंबे समय तक फ्रेश रखेगा। बस खाओ पियो और खूब एंजॉय करो। एक बात बताइए, क्या आप भी मेरी तरह फील कर पा रहे हैं? So guys, we have stopped over to this shack. हम यहाँ से सीफूड खाने वाले हैं। और आपका नाम क्या है? गोपाल। तो गोपाल जी हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे कि ये सी फिशेस क्या नाम है और इसका ये हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं, कैसे डिशेस के साथ। तो ये किंग फिश है, किंग फिश है। और ये टूना है। तो ये अलग अलग साइजेस में है? ये अलग अलग साइज है, अलग अलग प्राइस है। अलग अलग साइजेस, अलग अलग प्राइस है। थोड़ा इससे बात है, ये लॉबस्टर है बड़ा वाला। अच्छा, इसका क्या प्रिपरेशन बनता है? इसका होता है आपको, इसका तंदूरी नहीं बनता है, और ये मसाला फ्राई, लिक्विड चिकन का पूरी और फ्राई होता है। ये क्या नाम है? ये रेड पेपर है। अच्छा, ओके। तो ये जो प्राइस आपने लिखा, ये वन पीस का है राइट? ये वन पीस का, वन पीस का है। और ये टूना है? टूना थाउजेंड के दो है? नहीं, थाउजेंड का एक है। अच्छा, ओके। और इसका क्या प्रिपरेशन बनेगा?
इसका मसाला फ्राई आता है, काली मटर आता है, तंदूरी आता है, ग्रिल आता है, मसाला वाला आता है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे सी फूड प्लेटर भी है जहाँ पे लॉबस्टर्स है और ये शायद क्या नाम है, स्क्विड है, स्क्विड है, ये स्क्विड है, स्क्विड है, टूना है, सैल्मन है, किंगफिश है, किंगफिश है। ओके, टूना, सैल्मन, किंगफिश और ये है लॉबस्टर्स एंड स्क्विड। ओके, तो यहाँ पे टाइगर प्रॉन्स है, यहाँ पे किंग प्रॉन्स है, सैल्मन है। तो सैल्मन हमने वहाँ पे देखा, ये टूना फिले है, पॉम्फ्रेट है, पॉम्फ्रेट ये बड़ा साइज का है एंड यहाँ पे पॉम्फ्रेट छोटे साइजेस में हमें दिख रहे हैं एंड किंगफिश एंड ये कैलामारी का, कैलामारी मतलब ये वही होता है एंड दिस इज मैकरल। सबसे अच्छा कौन मसाला फ्राई आएगा, थोड़ा स्पाइसी आता है, ज्यादा ड्राई सी सलाद आएगा आपको, थोड़ा स्पाइसी आता है, अच्छा टेस्ट होता है। अब आ गया हमारा होल बेबी टूना मसाला फ्राई इन मीडियम स्पाइसेस। इसके साथ है कॉम्प्लीमेंट्री राइस, सैलड और फ्रेंच फ्राइज। ये इतना डिलीशियस और यमी दिख रहा है, क्वांटिटी वाइज आल्सो इट्स ह्यूज। ओवरऑल फॉर फिश लवर्स इट्स अ पैराडाइज। खाना खाने के बाद हम थोड़ा सा बीच पे टहलने लगे। रात के अंधेरे में एक तरफ समंदर की लहरें और एक तरफ न्यू ईयर सेलिब्रेशन। हर एक शैक में डीजेस बज रहे थे, हर कोई चिल करता हुआ नाचता हुआ नजर आ रहा था। नो डाउट हमने भी बहुत एंजॉय किया। ट्रूली स्पीकिंग दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मोमेंट्स इन माई लाइफ। बचपन में जैसे योर मोस्ट मेमोरेबल डे पे एक ऐसे लिखने को दिया जाता था ना, ये अगर मुझे अब लिखने को दिया जाता तो मैं आज के बारे में जरूर लिखती। या तो अब हम होटल में बैठे हैं और अभी ऑलमोस्ट काफी चिल करने के बाद काफी थक गए और हम सोचे कि नहीं, फाइन क्लोजिंग। हम घर पहुंच के, मतलब बेसिकली हमारा जो स्टे हो रहा है होटल में, वहां पहुंच के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ एग्जैक्टली और कितना हमने एंजॉय किया। काफी काफी आज ड्राइव हुआ है। एग्जैक्टली तो ओवरऑल एक ओवरव्यू बता देती हूँ। आज एक्चुअली सुबह को हम लोग यहाँ से गए थे एक्सट्रीम नॉर्थ गोवा में और वहाँ पे एक्चुअली आरपोरा मार्केट, जो कल जाने का प्लान था वो नहीं हो पाया, तो आरपोरा होते हुए हम लोग गए फिर हम गए चापोरा फोर्ट। चापोरा फोर्ट के बाद हम लोग वेगेटर बीच वगैरह वो सब घूम गए। फाइनली वहाँ से हम लोग अंजुना बीच होके फिर हम लोग काफ़ी ड्राइव करते हुए इधर उधर एक्सप्लोर करते हुए मापुसा भी गए थे हम लोग। मापुसा एक
सिटी है, वेरी मच लाइक पंजीम, इट्स अ बिग सिटी. फॉर द नॉर्थ गोवा पीपल और लोकलाइज के लिए मापुसा हमने देखा कि वो एक अच्छा खासा मतलब शॉपिंग स्पॉट है, तो वो लोग बहुत रिकमेंड कर रहे थे कि आप लोग यहाँ जा सकते हैं अगर आप लोगों को कुछ शॉपिंग करनी है. एनीवेज हमारे लिए इट्स वेरी नॉर्मल, तो हम ऑब्वियसली ये देखने तो नहीं आए, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर रेगुलर लाइफ. तो हम वहाँ से वैसे जा निकले, देख लिया, इट वाज नाइस, एक्चुअली अच्छा लग रहा था वो देख के. फिर हम वहाँ से निकल के फिर थोड़ा इसमें ऐड करना चाहेंगे. एक्चुअली क्या हुआ कि जब हम अंजुना से हम निकल रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि शायद अभी हमारे पास टाइम है तो कुछ और एक्सप्लोर किया जाए. तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई मैप नहीं था, जिसके वजह से हम काफ़ी डिपेंडेंट थे लोकल्स पे. उनके हिसाब से जो भी उनको लगा कि आसपास देख सकते हैं, तो इसलिए हमने फिर उस तरह से आइटिनरी बनाई कि हाँ जाया जा सकता है. उन्होंने मोरजिम के लिए बोला था कि आप मोरजिम जा सकते हो लेकिन आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा, आपको लौटने में काफ़ी लेट हो जाएगा. फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप मापुसा जा सकते हो. उसको हमें मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने मुझे लगता है कि काफ़ी लॉन्ग ड्राइव किया, काफ़ी जो नेटिव विलेजेस होते हैं उसके थ्रू, और मतलब समझिए कि लोकल जो गोवन कल्चर हो, गोवा के जो हाउसेज है, जो एक्चुअली इंडिविजुअल ओनर्स के हाउसेज हैं, उसके थ्रू से हम गए हैं. और काफ़ी अपहिल था, काफ़ी डाउनहिल था, जो हमने हमें तो मतलब काफ़ी देर के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि वी हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज वो रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था. और बहुत ही लंबा रास्ता था, बहुत ही लंबा काफ़ी मतलब हमें तो ऐसा बताया गया था कि ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे का रास्ता है. हमने बोला चलिए ठीक है, और हमारे लिए आधे घंटा प्रॉपर आधे घंटा होता है, यहाँ के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद आधे घंटा काफी लंबा. 2 मिनट भी इनके लिए कम से कम ना था, 15-20 मिनट का ड्राइव 2 मिनट. यहाँ की खासियत है, यहाँ अगर आप किसी को पूछे कि भाई साहब पर्टिकुलर एक नाम करके कि ये जगह कहाँ पे है, वो आपको बताएंगे कि बस आगे ही है, बस यही है आगे. 10 मिनट करके हम कम से कम समझिए आधे घंटे ड्राइव किए. हमें रियलाइज नहीं हुआ, नहीं तो अगर पहले ही बंदे ने अगर बोल दिया होता आधा घंटा 45 मिनट होगा तो हम कभी उस रास्ते में निकलते नहीं. ऑब्वियसली जहाँ से मतलब उन्होंने हम लोगों को गाइड करना शुरू किया, द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा था कि बस 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ से ऑलमोस्ट हम लोगों को 45 मिनट्स तो लगा ही होगा. सो इवन ऑन 2-व्हीलर ओनली. तो एनीवेज लेकिन फिर वहाँ से हम लोग सालीगांव होते हुए फिर आ गए बागा में, और बागा में हम पहले प्रॉपर बागा में पहुँच गए थे. फिर वहाँ से हम लोगों को आना पड़ा टीटोज लेन, बिकॉज एक्चुअली वी वांटेड टू कम टू दैट प्लेस. एंड एनीवेज फिर हम टीटोज लेन के वहाँ से बागा बीच में जाके पहुँचे, और देर एक्चुअली हम लोगों का आज वो वाला पार्ट अनप्लान था कि हमने सोचा था कि हम थोड़ा बहुत ऐसे कुछ टिट बिट्स या डिनर करके हम वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो एक्चुअल इन्जॉयमेंट शुरू हुआ दैट वाज ऑब्वियसली मतलब क्या ही बताएं, क्योंकि हमने वहाँ पे फिर सी फूड ट्राई किया, फिश ट्राई किया, यहाँ का किंग फिश, नो वी ट्राई ट्यूना, ओके वी ट्राई ट्यूना, यस तो टूना फिश ट्राई किया, जो बेसिकली उन यहाँ का स्पेशलिटी होता है कि यू सिट इन अ बीच शैक जो बिल्कुल मतलब एकदम समुंदर आपके पाँव के पास तक आ रहा है, और फिर वहाँ बैठ के वहाँ पे आज तो पार्टी भी हो रही थी क्योंकि ये एंड ऑफ डिसम्बर है, न्यू ईयर इज़ कमिंग, तो ज़बरदस्त पार्टी हो रही थी हर एक बीच शैक में, लाउड म्यूज़िक और मतलब लोग आ रहे थे सेलिब्रेट करने. एंड फिर वहाँ पे हम लोग बैठे एक बीच शैक में, वहाँ पे वो फिश हमने ट्राई किया, इट्स अ बिग फिश, तो वो एक खा के लाइक यू डोंट नीड टू हैव एनीथिंग एल्स, और फिर लाइक यू आर एन्जॉइंग द कूल ब्रीज, म्यूज़िक, लोग डांस कर रहे हैं, पीपल आर कमिंग. और फिर सबसे हमें अच्छा लगा जब हमने देखा कि 11-12 बजे के बाद एक्चुअल क्राउड आना शुरू हुआ, पीपल स्टार्टेड कमिंग ओवर देयर. जब हम लोग एक्चुअली सोच रहे थे कि काफ़ी लेट ना हो जाए, हम लोग यहीं पे बैठे हैं खाना खा रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा कार्निवल चल रहा है इन मिड ऑफ द नाइट, और वो नाइट लग ही नहीं रहा था हमारे सिटीज़ का, वो लाइक इट वॉज हैपनिंग लाइक सम इट वॉज वी वर फीलिंग लाइक शायद वो 7 PM हो, 7:30 हो, तो मतलब वहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि क्राउड तभी आ रहे थे. बट पूरे दिन भर के बाद हम लोग भी काफ़ी थके हुए थे, एंड
आज का जैसे बताया कि ये टोटली अनप्लान था, हम लोग को जल्दी लौटना भी था, फिर वो करते करते भी 12:30 बज गए ऑलमोस्ट, तो हम वहाँ से निकल गए और हम ये भी सोच रहे थे क्या पता रास्ते शायद सुनसान हो जाए, लेकिन आते वक्त ये भी देखा कि रास्ते भी मतलब इट वेयर फुल ऑफ ट्रैफिक, लोग निकल रहे हैं, सो वी डिडेंट एट ऑल फील लाइक कि अभी 1 बजने को आए हैं एंड सारी गाड़ियाँ, हाँ दुकानें बंद थी लेकिन लोग बहुत सारे लोग हैं. सो एनी वेज अगेन माई सेकेंड एक्सपीरियंस इन गोवा इज़ लाइक गोवा इज़ वेरी वेरी सेफ एंड सिक्योर, वहाँ यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, जस्ट दैट यू ड्राइव इट सेफली, लाइक कोई एक्सीडेंट ना हो, बाकी बिल्कुल इट्स वेरी अमेजिंग. ये कल का भी हमारा प्लान क्या है वो देखना पड़ेगा सुबह उठकर, क्योंकि अभी ऑलरेडी इतनी रात हो चुकी है तो सुबह को आँख कैसे ही खुलेगा और कब खुलेगा क्या पता. तो और कल, हाँ कल हमें शिफ्टिंग करना है एक और रिजॉर्ट में जो हमने बिल्कुल बागा के पास ही लिया है. तो हमने जानबूझ के लिया था क्योंकि हमारा प्लान ये था कि लास्ट वाला दिन जो है वो हम टिटोज में और वहाँ पे कहीं पे जाएंगे, बागा में इंजॉय करेंगे. आज तो खैर वहाँ पे इंजॉय कर लिया है लेकिन देखते हैं कल वहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, दैट्स अ प्रॉपर रिजॉर्ट. अब जाने के बाद हम दिखाएंगे कि वो कैसा है, हमें भी नहीं पता. और आज का दिन ख़त्म करते हैं फिर. इट वॉज़ अ वेरी गुड डे, आर सेकेंड डे इन गोवा वॉज़ रियली अमेजिंग. और ये एक्सपीरियंस जब हम आपसे शेयर कर रहे होंगे, आई होप आप लोगों को भी हम उसी तरीके से बता पा रहे होंगे. बिल्कुल, होप करते हैं आपको हमारा सारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं. अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू रेकमेंड, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ. डेफिनेटली हमारे एक्सपीरियंस का हेल्प लेते हुए आप लोग भी हमें फॉलो कीजिए आगे. और हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. ऑब्वियसली प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे विथ अस. थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस. बाय बाय बाय.